Global Hunger Index. That makes headlines now. Many a people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup. And they're asked, are you hungry? अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना. उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है. बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं. और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहाँ आई और फिर कहाँ आई फ्लाइट से. तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं. मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इनसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं. क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है. क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेवली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर. अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टैलिटी. अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इंटेक हो रही है. चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है. चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है. और चाइल्ड मोर्टैलिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है. ये 4 इंडिकेटर्स हेवली बेस्ड ये सर्वेस पे रहता है. तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है. और ये सारे 4 इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए. तो मुझे नहीं पता कि एज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं. लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं. आपसे ज्यादा सशक्त और वीआईपी कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में. आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा, तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं. उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा. जहां आप पहुंचती हैं आप वीआईपी हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा. क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं.